हाय हेलो नमस्कार सिनेमाघरों में अक्षय कुमार की फिल्म सरफिरा आई है यार। अगर आप देखने जा रहे हो उससे पहले इसको रिव्यू को देख के जाना दोस्तों। बात करूं सरफिरा की तो सरफिरा एक बाइफल ड्रामा फिल्म होने वाली है जिसकी कहानी काफी सिंपल रखी गई है, जहां पर आपको देखने को मिलने वाली है वीर मात्रे नाम की एक व्यक्ति की कहानी जिसका सपना है कि हर भारतीय जो कि गरीब से गरीब है एरोप्लेन की यात्रा कर सके कम पैसों के अंदर, जिस वजह से वो एक एयरलाइन खोलना चाहता है और एयरलाइन खोल तो लेगा वो, लेकिन उसे खोलने में उसे काफी परेशानी आने वाली है, काफी मुश्किलों का सामना वो करने वाला है और ये सारी मुश्किलें देखने को मिलने वाली है इस फिल्म के अंदर, जिस फिल्म का कॉन्सेप्ट तो मुझे बेहतरीन शानदार जानदार लगा और फिल्म की प्रेजेंटिंग लाजवाब थी, वहीं पे एक्सीक्यूशन काफी बेहतरीन था। लेकिन बात करूं फिल्म के फर्स्ट हाफ से लेकर सेकंड हाफ तक मैं एंटरटेनमेंट से भरा या एंगेज हुआ या नहीं, तो मैं फिल्म से पूरी तरीके एंगेज रहा और इस फिल्म ने भाई आखिर तक रुलाया भी बंदों को, वाकई में फिल्म काफी ज्यादा एंगेजिंग थी। लेकिन बात करें एक्टरों की परफॉर्मेंस की तो अक्की पाजी ने कमाल कर दिया, जान लगा दिया भाई साहब, यानी कि खिलाड़ी इज बैक। और वहीं पर राधिका मदान का काम भी लाजवाब था और इस फिल्म से राधिका मदान का ना करियर बन सकता है भाई। वहीं पर और भी जो भी एक्टर थे उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी खासी रही, जैसे कि परेश रावल। अब बात करें कि हम इस फिल्म को देखने जाएं ना जाएं, तो मैं आपको बता दूं ये फिल्म काफी बेहतरीन तरीके से बनाई गई है, जिसे देखने के बाद आप यही कहोगे कि पैसा वसूल, जिसके लिए मैं रेटिंग देना चाहूंगा 4 out of 5। तो अब है आपकी मर्जी, आप फिल्म देखने जाएं ना जाएं, क्योंकि रिव्यू तो आपने सुन ही लिया होगा दोस्तों।